हमें स्वतंत्र मधेशी क्यों चाहिए? तो सबसे पहली बात है, जब हम औपनिवेशिक शासन में जी रहे हैं, जब यहां पर परतंत्रता है, तो उसका समाधान एक ही है, स्वतंत्रता, आजादी। यानी कि मान लीजिए कोई बाहर के लोग आकर आपके हाथ उल्टा करके बांध दिया है, तो उसका एक ही समाधान है कि आप उस हाथ को पहले खोलिए। उसका यह समाधान नहीं है कि कोई आदमी आपको सांझ और सवेरे खाना दे। उसका समाधान ये नहीं है कि कोई तीसरा आदमी आकर आपका कपड़ा बदल दे। उसका समाधान यही है कि आप अपने हाथ को पहले खोलिए। वही बात है, यहां पर अभी हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमारे हाथ को नेपाली फिरंगियों ने आकर बांध दिया है। इसीलिए हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए अपने हाथ को खोलना, आजादी पाना, स्वतंत्रता लाना, मधेश देश को स्वतंत्र बनाना। वही प्राकृतिक समाधान है। और हमारे हाथ सचमुच में बंधे हुए हैं। मान लीजिए जितना राजस्व मधेश से उठता है, विराटनगर नाका, बीरगंज नाका, अन्य नाका से जितना भी राजस्व उठता है, क्या उसे हम प्रयोग कर सकते हैं? राजस्व उठा है मधेश से, लेकिन मधेशी उसे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। नेपालियों ने हमारे हाथ बांध दिए हैं और यहां से जो कुछ है, जो चीज यहां पर है, वो खुद ले जा रहे हैं। राजस्व उठा, राजस्व ले जा रहे हैं। मालपोत पानीपोत उठता है, वो ले जा रहे हैं। साधन स्रोत जो भी है वो ले जा रहे हैं। जंगल था, कटा के वो ले जा रहे हैं। कल यहां पर कोई खानी निकलेगा, पेट्रोल का खानी ही निकल गया, तो हम मधेशी उसे प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वो नेपाली शासक यहां से सब कुछ उठा के लेके जाएगा, यहां पर सब पेट्रोल को वो लोग बेच के खाएगा। यहां पर मधेश के नदी में से पानी निकाला गया, लेकिन वह बेचकर फायदा लिया नेपाली शासक ने। मधेश के अपने ही खेत में पानी, खुद का पानी प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। राजस्व हमारा है, लेकिन हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मधेश की नदियों में पानी हमारा है, लेकिन हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो बेच दे रहा है। मधेश का जंगल हमारा है, लेकिन हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो वही बात है। तो हमारे हाथ अगर बंधे हुए हैं, तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि हम अपने हाथ को पहले खोलें। किसी से भीख में दो वक्त की खाना न मांगे, दो टुकड़ा रोटी नहीं मांगे। किसी और से दो टुकड़ा रोटी मांगना समाधान नहीं है, हमारे अपने हाथ खोलना समाधान है। यह पहला कारण है कि हम आजाद होना चाहते हैं, मधेश क्यों स्वतंत्र चाहिए, यह पहला कारण है। दूसरा कारण है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मधेश में आज अपनी सेना नहीं है। मधेश में जो 95% से ज्यादा सेना मौजूद है, वो मधेश के बाहर से आए हुए फिरंगी लोग हैं, वह फिरंगी सेना है। तो उस फिरंगी सेना को वापस करके उस जगह पर मधेशी सेना बनाने के लिए स्वतंत्र मधेश चाहिए। मधेश स्वतंत्र बनने के बाद, मधेश आजाद होने के बाद ही उस फिरंगी नेपाली सेना को यहां से वापस करके उस जगह पर मधेशी सेना बनाई जा सकती है। और जब तक वह फिरंगी सेना वापस नहीं होती है, तब तक आप कितना भी संविधान बना लीजिए, कितना भी नियम कानून बना लीजिए, कितना भी अधिकार ले लीजिए, कोई मायना नहीं रखता। क्योंकि संविधान उसी का होता है जिसके पास सेना होती है। और जिसके पास अपनी सेना नहीं, उसका कोई संविधान, कोई नियम कानून, कोई कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि आप चाहे संविधान में जितना भी अधिकार लिखा लेंगे, वह फिरंगी नेपाली सेना लगाकर पल भर में, वह चुटकी भर में, वह सारे अधिकार को निलंबन किया जा सकता है। और इसीलिए मधेशियों को अगर अधिकार चाहिए, तो सबसे पहली बात है उसकी अपनी सेना चाहिए। और वह सेना बनाने के लिए मधेश को स्वतंत्र होना होगा। तीसरा कारण है,
कि मधेश में जो औपनिवेशीकरण हो रहा है, पहाड़ी लोग जो है, नेपाली शासक वर्ग जो है, पहाड़ से आकर यहां पर हमारी जमीन कब्जा करके बैठे जा रहे हैं और हम पर कब्जा जमा रहे हैं, उसे रोकने के लिए मधेश को स्वतंत्र होना ही होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। मधेश स्वतंत्र होने के बाद ही नेपाली शासक वर्ग का यहां आने का क्रम रुक सकता है, तभी ही नेपाली शासक वर्ग यहां पर आकर कब्जा नहीं जमा सकते हैं। नहीं तो पिछले 60 वर्ष में हमने देख ही लिए हैं कि 6% से वे लोग कैसे 36% यहां पर हो गए हैं, किस तरह मधेश की भूमि पर लगभग कब्जा जमा चुके हैं। और अगर और 10 वर्ष 20 वर्ष उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो पूरे के पूरे मधेश पर वो लोग कब्जा जमा लेंगे और मधेशी अपनी ही भूमि पर भूमिहीन होकर, राज्यविहीन होकर, शरणार्थी बनकर जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए वह आप्रवासन का क्रम रोकने के लिए, पहाड़ियों का आने का क्रम और कब्जा करने का जो क्रम है मधेश में, उसे रोकने के लिए मधेश को स्वतंत्र ही बनाना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे यह रोका जा सके। चौथा कारण है, हम सभी जानते हैं कि आज नेपाली साम्राज्य में मधेशियों को अधिकांश नौकरी नहीं दी जाती है और इसी कारण से एक योग्य मधेशी युवा दर दर भटकते फिर रहे हैं। तो मधेश की जितनी भी नौकरी है वह मधेश वासियों को ही मिलने की गारंटी के लिए मधेश को स्वतंत्र देश ही बनना पड़ेगा। यानी स्वतंत्र मधेश बनने के बाद ही इस बात की गारंटी हो सकती है कि मधेश में जितनी भी नौकरियां हैं वह मधेश वासियों को ही मिलेगी, तभी ही जाकर मधेशी लोग ही मधेश के सीडीओ बन पाएंगे, एसपी बन पाएंगे, मधेश के कर्मचारी बन पाएंगे, तभी ही यह जाकर हो सकेगा। नहीं तो खाली प्रदेश बनाने से या अन्य किसी समाधान से यह संभव नहीं है। तब पहाड़ी लोग ही, नेपाली शासक वर्ग ही यहां पर आकर मधेश की भी नौकरी लेते रहेंगे। पांचवा कारण है, हम सभी जानते हैं मधेशियों के लिए नागरिकता बहुत ही अहम रहा है, तो वह नागरिकता नीति, विदेश नीति और सुरक्षा नीति तभी मधेशियों के अपने हाथों में आ सकती है जब मधेश स्वतंत्र होगा। नहीं तो सदैव सदैव यह तीनों चीज नेपाली शासक वर्ग के हाथों में ही रहेगी और मधेशियों को कभी वह अधिकार मिल नहीं पाएगा। यानी कि मधेश जब तक आजाद नहीं होता है तब तक नेपाली शासक वर्ग ही ये बात निर्धारण करते रहेंगे कि किस मधेशी को नागरिकता मिलना है, किसको नहीं, या किस मधेशियों की नागरिकता खारिज करना है। यह नेपाली शासक वर्ग, वही फिरंगी लोग ही निर्धारित करते रहेंगे। यानी ये तीनों चीज उनके ही हाथों में रहेगी। इसका नियंत्रण, इन तीनों चीज का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए मधेश को आजाद होना होगा। छठा कारण है कि मधेश में जितने साधन स्रोत हैं, जितने खानी है, जंगल है, जल है, जमीन है, राजस्व जो उठता है, इन सारे साधन स्रोत पर मधेशियों का पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने के लिए, मधेशियों का पूर्ण स्वामित्व, पूर्ण अधिकार कायम करने के लिए मधेश को स्वतंत्र होना ही होगा। तभी ही यहाँ के जितने भी साधन स्रोत है, जल, जमीन, जंगल है, राजस्व है, वैदेशिक अनुदान मिलेगा, उस पर मधेशियों का पूरा पूरा नियंत्रण रह सकता है, पूरा पूरा अधिकार मिल सकता है, तभी जब मधेश आजाद होगा। और सातवां कारण है कि कोई भी छोटा अधिकार हो या बड़ा अधिकार, कोई भी अधिकार स्थायी रूप से पाने के लिए, परमानेंट रूप से पाने के लिए मधेश को स्वतंत्र होना ही होगा। नहीं तो जब हम आंदोलन करते हैं तो कुछ दिन के लिए हमें अधिकार दे देता है, लेकिन जैसे हम शांत होते हैं तो वह अधिकार हमसे पुनः छीन लेता है। तो नेपाली साम्राज्य में अधिकार पाने का ज्यादा मायना नहीं है, वो संविधान में चाहे कुछ लिखा दे ज्यादा मायना नहीं रखता है, क्योंकि जैसे हम शांत होते हैं दिया हुआ अधिकार भी
वह छीन लेता है। अंतरिम संविधान में समानुपातिक समावेशी का प्रावधान था, नागरिकता का भी अच्छा खासा प्रावधान था, लेकिन आज वे सारे अधिकार भी हमसे छीन लिया गया। जब 63-64 साल में मधेशियों ने आंदोलन किया तो अधिकार संपन्न स्वायत्त मधेश प्रदेश तो दे दिया था, लेकिन जैसे हम शांत हुए वह दी हुई चीज भी हमसे छीन ली गई। तो कोई भी अधिकार यहां पर स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है नेपाली साम्राज्य में। और तो और मधेशियों को दी हुई नागरिकता भी जो है यह नेपाल सरकार छीन लेती है। सन 1997 में हजारों हजार दसों हजार की संख्या में मधेशियों की नागरिकता छीन ली गई। यानी कि नागरिकता जैसे आधारभूत अधिकार भी देने के बाद भी, एक बार देने के बाद भी हमसे छीन लिया जाता है, तो और दूसरे अधिकारों की बात क्या करेंगे। इसीलिए कोई भी अधिकार परमानेंट रूप में, स्थायी रूप में पाने के लिए हमें स्वतंत्र मधेश ही हासिल करना होगा, तभी ही कोई स्थायी समाधान हमें मिल पाएगा। आप कहेंगे क्या यह गैर कानूनी नहीं है, क्या आजाद मधेश के लिए आवाज उठाना राजद्रोह नहीं है? तो आप मुझे बताइए कि कौन सा आंदोलन जो है गैर कानूनी नहीं था। यह हड़ताल जो है, बंद जो है, या नाकाबंदी जो है, या निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना जो है, यह क्या कानूनी है? बिल्कुल नहीं। 2046 साल से पहले पार्टियों ऊपर भी नेपाल में प्रतिबंध था, तो फिर भी पार्टी काम कर रहे थे, तो उस समय में पार्टी खोलना भी गैर कानूनी था, राजनीतिक गतिविधि करना भी गैर कानूनी था, पार्टियों की राजनीतिक गतिविधि करना, पार्टियों की सभा करना भी गैर कानूनी था, फिर भी उस समय पार्टी तो थी, तो वह भी तो गैर कानूनी था। 2062-63 से पहले गणतंत्र के लिए आवाज उठाना वह राजद्रोह था, वह गैर कानूनी था, फिर भी जनता ने वह आवाज उठाई और आज गणतंत्र को संस्थागत की। तो आंदोलन होता ही है परिवर्तन लाने के लिए, और इसी कारण से उसे कानून के खिलाफ जाना पड़ता है, और वह गैर कानूनी होता है, क्योंकि परिवर्तन जो है वह खिलाफ जाने से ही होता है। आंदोलन जो होता है उसका स्वरूप ही अवज्ञा होता है, असहयोग होता है, कानून को नहीं मानना होता है। तो मुख्य बात यह है कि हम सब न्याय को मान रहे हैं कि नहीं, समान अधिकार को मान रहे हैं कि नहीं, यह बात प्रमुख है। जो कानून अभी मौजूद है उसको मान रहे हैं कि नहीं, यह ज्यादा मायने नहीं रखता है। सबसे ज्यादा मायने रखता है हम न्याय को मानते हैं कि नहीं, हम अंतरराष्ट्रीय विधि संगत रूप में काम कर रहे हैं कि नहीं, यह बात ज्यादा मायने रखता है। और आजादी आंदोलन छेड़ने वाला कोई भी आदमी राजद्रोही नहीं होता है, वह राष्ट्र निर्माता होता है। जैसे कि भारत में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ गांधी ने, नेहरू ने, पटेल ने, जिन्ना ने आवाज उठाई, तो वो राजद्रोही नहीं थे, वह तो राष्ट्र निर्माता थे, उन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया, भारत को आजाद किया। उसी तरह अमेरिका को आजाद कराने वाले जॉर्ज वाशिंगटन कोई राजद्रोही नहीं थे, वो तो राष्ट्रपिता है, उन्होंने राष्ट्र बनाया, राष्ट्र निर्माता है। उसी तरह आज मधेश में नेपाली का औपनिवेशिक शासन को अंत करने के लिए लगने वाले और मधेश को आजाद करने के लिए लगने वाले कोई राजद्रोही नहीं है, वह तो राष्ट्र निर्माता है, वह तो मधेश राष्ट्र बना रहे हैं, मधेश राष्ट्र को आजाद कर रहे हैं। तो वह मधेशी जनता जो इस मधेश आजादी आंदोलन में लग रही है, वे सभी राष्ट्रपिता है, मधेश के राष्ट्रपिता है, मधेश के राष्ट्र निर्माता है। दूसरी बात, 2063 साल में जब आंदोलन हुआ नेपाल में राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ में, तो उसमें आज सभी लोग गर्व करते हैं कि मैं भी आंदोलन में गया था राजा के खिलाफ। तो क्या वह राजद्रोह नहीं था?
राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ में आवाज उठाना, आंदोलन करना, उस राजतंत्र शाही को खत्म करना, क्या वह राजद्रोह नहीं था? तो फिर हम आज क्यों गौरव कर रहे हैं? तो वही बात है, जनता से बड़ा कोई भी नहीं होता है। जनता जो चाहती है वही श्रेष्ठ है, वही सर्वमान्य है, उसके खिलाफ में कोई भी नहीं जा सकता है, पूरी दुनिया नहीं जा सकती है। वह बात हमें याद रखना होगा। तो जब मधेशी जनता आजादी चाहती है तो वही न्याय है, वह कोई राजद्रोह नहीं है। तीसरी बात, यही साल भर पहले स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह हुआ, यानी कि वहां की जनता ने मतदान किया कि स्कॉटलैंड स्वतंत्र देश होगा बेलायत से कि नहीं। तो जब स्वतंत्र देश की बात उठाना राजद्रोह है, आजादी की बात उठाना राजद्रोह है, तो इसका मतलब तो स्कॉटलैंड के लाखों लाख जनता सभी राजद्रोही हो गए। अभी ही कुछ ही दिन पहले कैटलोनिया में भी उसी तरह का जनमत संग्रह हुआ कि कैटलोनिया स्पेन से अलग हो कि नहीं हो। तो जब अलग देश की बात करना ही राजद्रोह है, जब आजादी की बात करना ही राजद्रोह है, तो कैटलोनिया की सारी जनता भी राजद्रोही हो गई, लाखों लाख दसों लाख जनता राजद्रोही हो गई, पर है तो नहीं। इसीलिए हमें यह दिमाग से निकालना होगा कि आजादी के लिए बात करने वाला, स्वतंत्र मधेश की बात करने वाला, अलग देश की बात करने वाला राजद्रोही ही होता है, यह बात दिमाग से निकालना पड़ेगा। क्योंकि जनता ही सार्वभौम है, जनता से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। जनता जब आजादी चाहेगी तो पूरी दुनिया को उस आजादी को मानना ही पड़ेगा। ऐसी बात जो है शासक वर्ग भ्रम के रूप में फैला देते हैं ताकि लोग निरुत्साहित हो जाए, वह राजद्रोही कहकर प्रचार कर देते हैं ताकि लोग निरुत्साहित होकर उसके खिलाफ में नहीं लगेंगे, सत्ता के खिलाफ में नहीं जाएंगे। आखिर कौन सत्ता चाहेगी कि उसके खिलाफ में जनता उतरे? कोई भी सत्ता नहीं चाहती कि जनता उसके खिलाफ में उतरे, और वह सत्ता को बचाए रखना चाहती, और इसीलिए वे जनता में ऐसे भ्रम डाल देते हैं कि अरे भाई सत्ता के खिलाफ जाओगे तो यह तो राजद्रोह हो जाएगा। यह भ्रम फैला देते हैं ताकि उसकी सत्ता जो है बची रहे, उस पर कोई आंच न आए। आप कहेंगे कि इसमें लगेंगे तो जेल हो सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो सोचिए, कोई भी बड़ा राजनीतिक परिवर्तन जब हुआ है, कोई भी नेता जिसने बड़ा राजनीतिक परिवर्तन लाया है, किसको जेल नहीं जाना पड़ा? क्या गांधी जी को जेल नहीं जाना पड़ा कि नेहरू को जेल नहीं जाना पड़ा? नेपाल में ही देखिए, क्या बीपी कोइराला को जेल नहीं जाना पड़ा? क्या गणेश मान को जेल नहीं जाना पड़ा? क्या गजेंद्र बाबू को जेल नहीं जाना पड़ा? क्या रामराजा प्रसाद सिंह को जेल नहीं जाना पड़ा? तो कोई भी राजनेता जिन्होंने व्यापक परिवर्तन लाया, उसे सत्ता के खिलाफ में खड़ा होना पड़ा, उसे जेल जाना पड़ा। तो यह गौरव की बात होती है, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र को बनाने के लिए, जनता की अपेक्षा को पूरा करने के लिए, जनता को न्याय दिलाने के लिए हम अगर जेल जा रहे हैं तो यह गौरव की बात है, यह कोई कलंक की बात नहीं है। कल गांधी जी जेल गए तो उस पर हम सब आज गौरव कर रहे हैं, तो उसी तरह यह भी गौरव की बात है। यह सुनहरा अवसर है हमें बलिदानी देने का, यह सुनहरा मौका है हमें आजादी आंदोलन में निखार लाने का, यह सुनहरा मौका है अपनी मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए कुछ समय देना, कुछ जेल जीवन काटना, कुछ कष्ट काटना। यह हमारे लिए सुनहरा मौका है जो बार बार सभी आदमी को नहीं मिल सकता है। अगर आज कोई आदमी चाहेगा कि वह गांधी बन जाए, वह गांधी नहीं बन सकता है। अगर आज कोई आदमी चाहेगा कि मैं भी भारत को आजाद करने के लिए जेल जाऊंगा, तो आज नहीं जा सकता है। उसी तरह यह गौरव की बात है हमारी पीढ़ी के लिए कि आज लोग स्वतंत्र मधेश के नाम पे जेल जाकर बलिदानी दे सकते हैं, ताकि वह कल अपने बाल बच्चों को, अपने पोतों को यह कहानी सुना सके, यह गौरवशाली कहानी सुना सके कि आजादी आंदोलन में हम तो यहां जेल में गए थे, हम तो यहां गए थे, क्योंकि
गौरवशाली इतिहास लिख सके, गौरवशाली इतिहास अपने बच्चों को, अपने भावी पीढ़ी को सुना सके। यह बहुत ही हमारे लिए सुनहरा मौका है। आप कहेंगे फिर भी गोप्य रूप में लगेंगे तो अच्छा होगा। तो हम सब कोई क्रिमिनल काम नहीं कर रहे हैं कि हमें गोप्य रूप में लगना पड़ेगा। हम सब शांतिपूर्ण तरीके से आजादी मांग रहे हैं। तो आजादी मांगना, आजाद होना यह गौरव की बात है, गुलामी में जीना कलंक की बात है। आजाद होना, आजादी पाना यह गौरव की बात है। तो हम सब चुपचाप रहकर क्यों आजादी मांगेंगे? हम तो खुलेआम कहेंगे, बीच सड़क पे चिल्ला चिल्लाकर हमें कहना चाहिए कि नहीं भाई, हमें आजादी दो, हमें गुलामी मंजूर नहीं, हमें गले में तेरे बंधक मंजूर नहीं, हमें पांव में तेरी बेड़िया मंजूर नहीं। यह तो हमें खुलकर बीच सड़क पे खड़ा होकर कहना चाहिए, और हम वही कर रहे हैं। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं कि हम सब छुप कर करें। तो यह बात हम सभी मधेशी जनता को समझना होगा, और वह खुलेआम स्वतंत्र मधेश के पक्ष में आवाज उठाना होगा। आप कहेंगे कि इसमें आजादी आंदोलन में लगने से खतरा है, जान भी जा सकती है। तो देखिए, यह भ्रम है, और यह भ्रम जनता के मन में इसलिए डाल दिया जाता है ताकि कोई भी जनता आजादी न मांगे, वह गुलामी में ही जीते रहे, वह सत्ता की गुलामी करते रहे। तो कोई भी सत्ता नहीं चाहता है कि उसका गुलाम जो है ऐसे छोड़ के चले जाए। हर एक सत्ता यही चाहता है कि उसके पास जो गुलाम है वह गुलामी ही करते रहे। इसीलिए वह डर फैलाता है कि आजादी आंदोलन में लगोगे तो जेल हो जाएगा, मौत हो सकती है, जान जा सकती है, ऐसे कहके भ्रम फैला देता है। जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। इसके लिए हम कुछ डेटा देखते हैं। सन 2009-10 में ही नेपाल में सड़क दुर्घटना से 1734 लोग मारे गए। सड़क दुर्घटना से एक साल में 1734 लोग नेपाल में मारे गए, यानी कि उसमें गाड़ी चलाने वाला ही नहीं था, उस गाड़ी में सड़क पे जो लोग निकलते हैं वह भी मारे गए। यानी एक साल में 1734 लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए। लेकिन राजनीति में कितने लोग मारे गए, आजादी आंदोलन में कितने लोग मारे गए? तो क्या खतरनाक क्या है, सड़क पे निकलना खतरनाक है या आजादी आंदोलन में लगना खतरनाक? दूसरा डाटा देखते हैं, धूम्रपान के कारण से, धूम्रपान मतलब सिगरेट, बीड़ी, खैनी खाने की वजह से एक वर्ष में नेपाल में 17,000 लोगों की मृत्यु हुई है। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है। एक वर्ष में धूम्रपान के कारण से नेपाल में 17,000 लोगों की मृत्यु हुई, यानी कि हर एक रोज 46 आदमी धूम्रपान की वजह से मर रहा है। तो आजादी आंदोलन में कितने आदमी हर एक दिन मर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर बीड़ी सिगरेट पीना आजादी आंदोलन से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बीड़ी सिगरेट पीने से हर एक रोज 46 आदमी मर रहे हैं, लेकिन आजादी आंदोलन में लगने से तो नहीं मर रहे। तीसरा डाटा देखते हैं, जो लोग वैदेशिक रोजगार में जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, मलेशिया, कतार, दुबई जा रहे हैं, आप देखते हैं कि हर एक रोज एयरपोर्ट पर 3-4 लाश आ रही है। यानी कि विदेश जाने से आप देखते हैं कि हर एक रोज 3-4 आदमी का लाश जो है आ रही है, हर एक दिन। आजादी आंदोलन में कितने लाश आ रही है? बिल्कुल नहीं। तो विदेश जाना ज्यादा खतरनाक है, आजादी आंदोलन में लगना खतरनाक नहीं। लेकिन फिर भी सभी लोग जो है डराते रहते हैं कि आजादी आंदोलन में लगोगे तो जान चली जाएगी, जबकि यहां पर सब कुछ उल्टा है। सड़क पे निकलना उससे ज्यादा खतरा है, धूम्रपान करना ज्यादा खतरा है, विदेश जाना ज्यादा खतरा है,
आजादी आंदोलन खतरा नहीं है। और डाटा देखते हैं, अभी जो आंदोलन चल रहा है मधेश में, उसमें 50 से ऊपर लोग मारे गए हैं, 2000 से ज्यादा लोगों का अंग भंग हुआ है, गंभीर रूप से घायल है, वो कोई साधारण चोटपटक नहीं, गंभीर रूप से घायल लोग 2000 से ऊपर है। सैकड़ों आंदोलनकारी पर मुद्दा लगा है, उसमें सार्वजनिक मुद्दा से लेकर आपको जान मारने उद्योग तक का खतरनाक मुद्दा भी उस पर डरता है, दर्जनों कार्यकर्ताओं पर खतरनाक मुद्दा डरता है। लेकिन फिर भी लोग डराते हैं कि आजादी आंदोलन में लगोगे तो मुद्दा लग जाएगा, आजादी आंदोलन में लगोगे तब मारे जाएंगे, जबकि आजादी आंदोलन में तो खास दमन भी नहीं हुआ है। आजादी आंदोलन में लगने से किसी को ज्यादा मुद्दा भी नहीं लगा है, कोई घायल भी नहीं हुए ज्यादा, न तो किसी की मृत्यु अभी तक हुई है, तो कौन सेफ है? लेकिन फिर भी लोग उल्टा भ्रम फैलाते हैं कि आजादी आंदोलन में लगोगे तो जेल हो जाएगी, आजादी आंदोलन में लगोगे तो मुद्दा लग जाएगा, आजादी आंदोलन में लगोगे तो जान चली जाएगी, जबकि यहां पर ठीक उल्टा है। न तो आजादी आंदोलन में लगने से यहां इस आंदोलन से ज्यादा जान गई है, न तो आजादी आंदोलन में लगने से इससे ज्यादा लोगों में मुद्दा लगा है, न तो आजादी आंदोलन में लगने से इतने लोग घायल हुए। यह जानबूझकर किया जाता है ताकि लोग आजादी आंदोलन से दूर रहे, लोग इसमें न लगे, या भ्रम के तहत किया जाता है या भ्रम फैलाया जाता है। जहां तक कुछ सभा भाड़ने की बात है, तो वह सभा तो राजनीतिक पार्टियों की भी भाड़ी जाती है, जैसे कि इटहरी में क्या हुआ, नवलपुर में क्या हुआ, यह हम सभी जानते हैं। तो ये बात नहीं खाली स्वराज का कार्यक्रम ही भाड़ा जाता है, यह बात नहीं है। भाड़ने के लिए नेपाल पुलिस जो है दूसरी राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम भी भाड़ते हैं, उसमें भी बाधा व्यवधान डालते हैं। तो यह कोई नई बात नहीं है, राजनीति में यह सब होता है। तो जब सच्चाई यह है, जब सच्चाई यह है कि आजादी आंदोलन में खतरा नहीं है, तो फिर भी यह डर क्यों होता है, यह भ्रम कहां से आता है? तो पहली बात है, नेपाल के जो शासक वर्ग है वह जानबूझकर यह भ्रम फैलाते हैं ताकि लोग आजादी आंदोलन में नहीं लगेंगे और मधेश में उसका शासन कायम रहे, मधेश कभी भी मुक्त न हो, उसके गुलाम बनकर ही मधेशी सदैव जीते रहे, इसके लिए नेपाल के शासक वर्ग जो है यह भ्रम फैलाते रहते हैं। और इसीलिए वह उदाहरण देते रहते हैं कि सत्ता के खिलाफ जाओगे, राज्य के खिलाफ जाओगे तो दशरथ चंद जैसी हालत हो जाएगी, सत्ता के खिलाफ जाओगे तो भगत सिंह जैसी हालत हो जाएगी, जबकि आजादी आंदोलन में, भारत के ही आजादी आंदोलन में तो लाखों लोग मारे गए थे, लाखों आम जनता मारी गई थी, जिसको आजादी आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं था, ऐसी निर्दोष जनता लाखों संख्या में मारी गई थी। तो लोग उसको नहीं दिखाते हैं, लेकिन दिखाते हैं किसको, भगत सिंह को, ताकि लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि राज्य के खिलाफ जाने से ऐसी सजा मिलती है, जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है। और यही भ्रम के कारण है कि जनता को हथियार उठाने के लिए डर नहीं लगता है। वही राजनीतिक पार्टी के नेता बारंबार कहते रहते हैं कि हम बंदूक उठा लेंगे, अब जनता बंदूक उठाएगी, सरकारी कार्यालय में आग लगाने में डर नहीं लगता, पेट्रोल बम बनाने में डर नहीं लगता है, फेंकने में डर नहीं लगता है, लेकिन उसको कही कि आजादी का झंडा उठाओ, स्वतंत्र मधेश का झंडा उठाओ, वो डर जाता है। और यह होता है वही भ्रम के कारण, गुलामी की मानसिकता के कारण, नहीं तो बंदूक उठाने से ज्यादा खतरनाक आजादी का झंडा उठाना तो नहीं है, पेट्रोल बम फेंकने से ज्यादा खतरनाक आजादी का झंडा उठाना तो नहीं है, क्योंकि आप पेट्रोल बम जब फेंकते हैं तो आप पे जान मारने मुद्दा लग सकता है, लेकिन स्वतंत्र मधेश का झंडा उठाने से कोई मुद्दा नहीं लगता है, यह शांतिपूर्ण आंदोलन है, इसमें कोई मुद्दा नहीं लगता है, जान मारने मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है, लोगों को पुलिस चौकी में जाके आग लगाने में डर नहीं लगता है, पुलिस चौकी पे आक्रमण करने में डर नहीं लगता है,
जबकि उसमें हाथ हथियार खर खजाना ऐन लग सकता है, लेकिन उसको शांतिपूर्ण तरीका से स्वतंत्र मधेश का झंडा उठाने के लिए बोलो तो डर मान जाते हैं, क्योंकि यह भ्रम फैलाया गया है। तो यह बात हमें याद रखना होगा कि शांतिपूर्ण रूप से स्वतंत्र मधेश के लिए आवाज उठाने से, स्वतंत्र मधेश का झंडा उठाने से कोई राजद्रोह मुद्दा नहीं लगता है, यह बात हमें समझना होगा। अगर ऐसा होता तो स्कॉटलैंड के सभी जनता के ऊपर राजद्रोह का मुद्दा होता, अगर ऐसा होता तो कैटलोनिया के सारे जनताओं पर राजद्रोह का मुद्दा होता, यह बात हमें जानना होगा। और इस डर से निपटने का उपाय है संगठित होना, क्योंकि हर एक चीज का समाधान जो है संगठन ही है। कहा जाता है संघ मूलम महाबलम, यानी कि कलयुग में जो है संघ के पास ही, संगठन के पास ही महाशक्ति होती है। तो वह संगठन हमें बनाना होगा, संगठित होकर रहना होगा। और जब हमारे पास सशक्त संगठन रहेगा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कहीं से कोई खतरा नहीं रहेगा। जब हमारे पास 1000-2000 आदमी रहेगा, जब आप सड़क पर ही आजाद मधेश के झंडा लेकर निकलेंगे तो 5000 आदमी ही रहेगा, तो वहां पर कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर सकेगा। आज आप देखते हैं कि वैद्य समूह, विप्लव समूह के लोग माइक्रोबस पर बम ही गिरा देते हैं, कोई टावर पर जाकर बम ही गिरा के ध्वस्त कर देते हैं, तो भी उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके पास संगठन है। तो संगठन में वह शक्ति है। हम सब तो शांतिपूर्ण मार्ग में लगे हैं, इसमें किसी के द्वारा बाधा डालना उचित ही नहीं होता, जस्टिफाई ही नहीं होता, इसीलिए इसमें कोई बाधा डाल ही नहीं सकता। और इसी कारण से जब हम संगठित होकर रहेंगे तो कोई जो डर है हमारे मन में, जो भ्रम है, जो भी खतरा है, वो सारे चीजों से हम सब निपट सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीकों से निपट सकते हैं। आप कहेंगे क्या यह संभव है, देश बनना संभव है आजकल? तो लोग सब तो अनेक हल्ला फैला देते हैं और बहुत ही बेबुनियाद तरीके से हल्ला फैला देते हैं। तो हम सब पहले डेटा देखते हैं। सन 1990 के बाद जो है 30 से ज्यादा देश विश्व में आजाद हुए हैं, 30 से ज्यादा नए देश बने हैं, यानी कि पिछले 25 वर्ष में 30 से ज्यादा नए देश बने हैं। सन 2000 के बाद भी पूर्वी टिमोर, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, कोसोवो, दक्षिण सूडान जैसे नए देश बने हैं। कुछ ही दिन पहले स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह हुआ था बेलायत से आजाद होने के लिए। उसी तरह कुछ ही दिन पहले कैटलोनिया में भी जनमत संग्रह हुआ था आजाद होने के लिए। तो इस तरह से स्कॉटलैंड, कैटलोनिया, क्यूबेक, सोमालीलैंड जैसे बहुत सारे देश हैं जो आजादी के रास्ते पे हैं, आजाद होने के करीब। तो यह असंभव कैसा है, जब पिछले 25 वर्ष में 30 से ज्यादा देश बने हैं, तो यह असंभव कैसा है? और आप याद रखिए कि आज से 70 वर्ष पहले यूनाइटेड नेशंस में केवल 51 देश था, लेकिन आज 193 देश दर्ज है यूनाइटेड नेशंस में। इतने कम समय में आप देख सकते हैं कि 70 वर्ष के दौरान में ही यूनाइटेड नेशंस में 51 से लेकर 193 देश बन गए। तो यह असंभव कैसा है? तो बिल्कुल नया देश बन सकता है, लेकिन शासक वर्ग द्वारा यह भ्रम फैलाया जाता है कि नहीं, यह देश तो नहीं बन सकता, यह मुश्किल है, नामुमकिन है, ताकि नया देश नहीं बने, शासकों की जमींदारी जो है वह कायम ही रहे। इस कारण से वो लोग भ्रम फैला देते हैं, क्योंकि अगर आप भी कोई गुलाम रखते हैं, दास रखते हैं, तो बारंबार आप उस दास के दिमाग में डालते हैं, अरे भाई तुम आजाद नहीं हो सकते, तुम आजाद होगे तो तुम्हें खाने के लिए नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई नौकरी पे नहीं रखेगा। इस तरह से भ्रम फैला दिए जाते हैं ताकि वह आजाद न हो, वह गुलाम आपकी गुलामी ही करता रहे। तो यही बात मधेश के लिए भी लागू होती है। मधेशियों के दिमाग में
नेपाली शासक वर्ग यह भ्रम फैला रहे हैं कि आजाद होना मुश्किल है, कठिन काम है, ताकि मधेशी लोग पहाड़ियों की सदैव गुलामी ही करते रहे, ताकि मधेस जो है सदैव नेपाल में गुलाम बनकर ही रह जाए, कभी मुक्त होने न पाए और हम सब सदैव गुलामी में ही जीते रहे। तो वह भ्रम से हमें निकलना होगा, यह बिल्कुल ही संभव है। और आदमी चाहे तो हर कुछ कर सकता है, बस अपने हौसला को बुलंद रखना पड़ेगा, अपना लक्ष्य जो है बड़ा रखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी सफल आदमी हुए है, कोई भी बड़े आदमी हुए है, तो सदैव उन्होंने यही कहा है कि बड़ा सपना रखो, बड़ा लक्ष्य रखो और उस लक्ष्य के लिए मेहनत करते जाओ तो कामयाब जरूर होगे। कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी सफल आदमी ने ऐसा नहीं कहा है कि लक्ष्य छोटा रखो, लक्ष्य गुलामी का रखो, ऐसा कोई भी सफल, कोई भी बड़ा आदमी ने नहीं कहा है। वह छोटे आदमी का काम है। तो हम सब अपने लक्ष्य को बड़ा रखे, अपने लक्ष्य को विशाल रखे और उस लक्ष्य की ओर हम सब मेहनत करते रहे तो आजादी बहुत ही जल्द मिलेगी। और मधेसी लोग तो सदैव वीर रहे हैं, सदैव शक्तिशाली रहे हैं, तो हम सब आजाद क्यों नहीं हो सकते? हमें गुलामी में जीते रहने की कोई जरूरी नहीं है। हम आजाद हो सकते हैं और आजाद नागरिक के रूप में, आजाद देश के रूप में जी सकते हैं, पर उसके लिए हमें सहकार्य करना होगा, अपनी एकता बनाना होगा। अगर हर आदमी अपनी अपनी ओर खींचते रहेंगे तो हम फिर कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। एक आदमी खींचेगा इस ओर, एक आदमी खींचेगा उस ओर, एक आदमी खींचेगा इस ओर, तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हमारा लक्ष्य एक हो, आजादी का, और हम सभी अगर उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आजादी बहुत ही जल्द मिलेगी, बहुत ही जल्द मधेश एक नया देश बनेगा। क्योंकि आपसी सहकार्य से हम बड़े से बड़े काम को क्षण भर में निपटा सकते हैं। हमारे अंदर जो कमी कमजोरी है, एक दूसरे में जो खामियां हैं, त्रुटि है, कमी कमजोरी है, हम सहकार्य के मार्फत उसे पूरा कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए सहकार्य करके, सभी को मिलाकर, अपनी एकता बनाकर हमें आगे बढ़ते रहना होगा और तभी हम सफल जरूर होंगे और शीघ्र ही सफल होंगे और शीघ्र ही हमारे पास मधेश अपना देश होगा, हमारा अपना संविधान होगा, हमारा अपना संसद होगा, हमारी अपनी सरकार होगी, देश विदेश में मधेश के राजदूतावास होंगे और यूनाइटेड नेशंस में स्वतंत्र मधेश का झंडा जो है लहराएगा। वह दिन ज्यादा दूर नहीं है अगर हम सब एक होकर सहकार्य करते हुए लगते हैं तो। और हमें जो है शांतिपूर्ण मार्ग से ही आजादी हासिल करनी है। तो बहुत सारे लोग यह शक करते हैं कि क्या शांतिपूर्ण मार्ग से यह संभव है। भारत आजाद हुआ तो वहां तो सुभाष चंद्र बोस था, वहां भी गरम दल था, तब जाके भारत आजाद हुआ, यहां ऐसे कैसे शांतिपूर्ण मार्ग से संभव होगा, कहके बहुत सारे लोग शंका करते हैं। तो सबसे पहली बात है, जिस समय में सुभाष चंद्र बोस था, जिस समय में भारत आजाद हुआ, उस समय की परिस्थिति और अभी की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। उस समय की तुलना अभी के समय से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय में यूनाइटेड नेशंस नहीं था, इतने अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं थे, उस समय में नेटो फोर्स नहीं था, उस समय में पूरे विश्व जो है आतंकवाद के खिलाफ, सशस्त्र समूहों के खिलाफ इस तरह से एकत्रित नहीं हुए थे, एकजुट नहीं हुए थे। यानी कि उस समय की परिस्थिति जो है बिल्कुल भिन्न थी। उस समय की बात को हूबहू इस समय में नहीं लगा सकते। उस समय में सुभाष चंद्र बोस ने हथियार के मार्फत से ही मान लीजिए आजादी लाई, तो आप उसी मार्फत आज के दिन में नहीं ला सकते। सम्राट अशोक ने घोड़ा पे ही चढ़कर विश्व विजय के लिए निकले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी आज घोड़ा पे ही चढ़कर युद्ध करने के लिए निकले, देश को जीतने के लिए निकले,
या जरूरी नहीं है या लागू नहीं कर सकते। उस समय की बात आज आप लागू नहीं कर सकते। वही बात है, उस समय में सुभाष चंद्र बोस अगर बंदूक लेकर भी निकले तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज भी हम आजादी के लिए बंदूक लेकर ही निकले, यह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ की परिस्थिति उस परिस्थिति से बिल्कुल अलग है। और इसको आंकड़ा के मार्फत देखते हैं, सन 1900 के बाद जितने भी 3 से 23 महत्वपूर्ण राजनीतिक आंदोलन हुए हैं उसको अध्ययन करके एक शोध पत्र में ग्राफ निकाला गया है कि शांतिपूर्ण मार्ग से सफलता कितनी मिलती है और हिंसात्मक मार्ग से, बंदूक वाला मार्ग से सफलता कितनी मिलती है। और उस ग्राफ में यह बिल्कुल देखने को मिलता है कि जो दौर सुभाष चंद्र बोस का था सन 1940 के दौरान में, शांतिपूर्ण मार्ग और हिंसात्मक मार्ग दोनों का सफलता दर लगभग लगभग समान था, 40-45 के आसपास में था। लेकिन सन 1990 के बाद शांतिपूर्ण मार्ग का सफलता दर जो है वो सीधे ऊपर चला गया है और हिंसात्मक मार्ग, बंदूक वाला मार्ग में जो सफलता जो है वो सीधे नीचे की ओर चल पड़ी है। और अभी के दौर में अगर आप देखते हैं, अभी के समय में अगर आप देखते हैं तो बंदूक वाले मार्ग में सफलता का दर केवल 10% है, जबकि शांतिपूर्ण मार्ग से सफलता का दर 70% से ऊपर है। तो ऐसे भी साबित होता है कि कौन से मार्ग अपनाने पर हम आज सफल होंगे, हमें कौन सा मार्ग लेना चाहिए। बंदूक वाला मार्ग जिसमें केवल 10% सफल होने की चांस है, या शांतिपूर्ण मार्ग जिसमें 70% से ज्यादा संभावना है कि हम सफल होंगे। और यह कोई एक जगह की आंकड़ा नहीं है, पूरे विश्व भर की आंकड़ा बता रहा है कि आज के दौर में शांतिपूर्ण मार्ग में लगने से ही आजादी हासिल होगी, सफलता हासिल होगी, बंदूक वाले मार्ग से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात है, अगर आप हिंसा के द्वारा, बंदूक के द्वारा कुछ चीज पा भी जाते हैं, कुछ चीज ले भी लेते हैं, तो उसको ज्यादा देर तक रख नहीं सकते, उसे टिका नहीं सकते। और इसका उदाहरण हमारे पास है, हम सभी के पास है। उदाहरण देख लीजिए, तमिल टाइगर्स का क्या हुआ। तमिल टाइगर्स ने हिंसा के मार्फत ही अपने आंदोलन किया और अंत में विजय भी हासिल किया, एक क्षेत्र पे कब्जा जमाकर वहां पर अपना राज्य भी चलाने लगे, अपना देश भी चलाने लगे और इतने सशक्त हो गए कि वह कोलंबो पर हवाई आक्रमण भी कर देते थे, इतने सशक्त हो गए। लेकिन अंत में तमिल टाइगर्स का क्या हुआ, जैसे ही मौका मिला श्रीलंका की सरकार ने उसे ध्वस्त कर दिया। और आज तमिल टाइगर्स की हालत क्या है आप देख सकते हैं, वहां पर लाखों लोग मारे गए और पूरा विश्व जो है उसके पक्ष में कुछ बोल भी नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने हिंसा जो अपनाया था। तो हिंसा से प्राप्त चीज को ज्यादा दिन कोई भी आदमी रख नहीं पाते, दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। हमारे यहां माओवादी को ही लीजिए, आप अभी कहते हैं कि चलो भाई बंदूक उठाते हैं आंदोलन करेंगे, ऐसे नहीं सुनता है, लात के भूत बात से नहीं मानेगा, लेकिन माओवादी ने तो बंदूक उठाया था, सशस्त्र आंदोलन ही किया था, नेपाल की पुलिस को पराजित भी कर दिया था और सेना को भी मानिए पराजित ही कर दिया था। तो फिर हुआ क्या, अंत में जब माओवादी बंदूक के बल पर विजय हासिल कर ही रहे थे तो फिर टेबल पर क्यों आए, फिर शांतिपूर्ण मार्ग में ही क्यों आना पड़ा, बंदूक को क्यों छोड़ना पड़ा। तो यह उदाहरण हमारे यहां, अपने यहां मौजूद है। तो आप ये नहीं सोचिए, आप सोचते हैं कि अब बंदूक उठाएंगे, लेकिन वही तो देखिए, माओवादी ने बंदूक उठाया, 17,000 लोगों को मारा भी,
लेकिन अंत में हुआ वही, उसको भी शांतिपूर्ण मार्ग में ही आना पड़ा, उसको भी टेबल पर ही आना पड़ा, उसको भी जन आंदोलन ही करना पड़ा और तभी जाके कुछ प्राप्त हुआ। तो यह सशक्त उदाहरण है, हमारे यहां अपने उदाहरण है, तो हम उस उदाहरण को ना भूले कि बंदूक उठाने पर क्या होता है, बंदूक उठाने पर मधेश में क्या हुआ हम सभी ने देखा। बहुत सारे हजारों लोग मारे गए, उसी के कारण से आज मधेश के गांव-गांव में सशस्त्र पुलिस घूम रही है और हम पर दमन कर रही है। थोड़ा बहुत हिंसा के कारण से हमारा यह हालत हो गया है। तो इसीलिए हिंसा हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, कोई फलदायी नहीं है। तीसरी बात है, बंदूक जहां पर उठती है, बंदूक जिस समाज में उठती है, हिंसा जहां पर होती है, सबसे ज्यादा घाटा उसी समाज को होता है। अगर हिंसा यहां पर फैलेगी, मधेश में फैलेगी, युद्ध अगर मधेश में हुआ, तो सबसे ज्यादा घाटा हम मधेशियों को है, सबसे ज्यादा घाटा मधेश को है। नेपालियों को क्या है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घाटा हमको है। या मधेश जो है सूडान या सीरिया की तरह बन जाएगा, तो क्या आप चाहेंगे कि हमारी अपनी भूमि, हमारा अपना मधेश, हमारे अपने गांव उस तरह के हिंसा से प्रताड़ित हो, उस तरह के दलदल में हम फंस जाए? क्या आप चाहेंगे कि आपके परिवार, आपके बाल बच्चे, आपकी बीवी उस हिंसा के दलदल में फंस जाए, जहां पर कोई सैनिक आकर कभी आक्रमण कर देते हैं, कभी बलात्कार कर देते हैं, कभी सब कुछ लूटपाट कर लेके चले जाते हैं? क्या आप वह चाहेंगे? आप चाहेंगे अपने परिवार के साथ वो हो? क्या आप चाहेंगे कि आपके समाज के साथ वह हो? तो इसी कारण से हिंसा हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। चौथी बात है, भले ही कुछ क्रांतिकारी विचारधारा के लोग, भले ही कुछ आवेश में आए युवा लोग सशस्त्र के मार्ग पे लग भी जाएं, बंदूक उठाने के लिए तैयार भी हो जाएं, परंतु बहुसंख्यक मधेशी जनता का समर्थन नहीं रहेगा। तो इसी कारण से बहुसंख्यक मधेशी जनता का समर्थन प्राप्त करने के हेतु भी हमें शांतिपूर्ण मार्ग में ही लगना होगा। बंदूक उठाना समाधान नहीं है, यह बात हमें दिमाग में बिठाना होगा। तो और पांचवी बात है कि मधेश कि भू राजनीति कुछ इस तरह से है। मधेश का स्थान विश्व के मानचित्र में कुछ ऐसी जगह पर है जहां पर हिंसा का कोई कोई स्थान नहीं है। यहां पर थोड़ा सा भी हिंसा आप नहीं कर सकते, वह हिंसा विश्व को बर्दाश्त नहीं हो सकता है। हमारे पड़ोस में जो मुल्क है, वह कभी यहां पर हिंसा होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और उसको खत्म करने के लिए, उस क्रांतिकारी समूह को, उस सशस्त्र समूह को खत्म करने के लिए वह अपनी सारी ऊर्जा लगा देगी। इसीलिए हिंसा का मधेश में कोई भविष्य नहीं है। यहां पर जो भी कुछ होगा वो शांतिपूर्ण मार्ग से ही संभव है, और शांतिपूर्ण मार्ग में लगने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, मधेश को आजाद किया जा सकता है, बिना ज्यादा क्षति के बहुत ही आसानी से हासिल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, मधेश में अमन चैन और शांति कायम करके रखा जा सकता है। कुछ लोग यह भी भ्रम फैलाते हैं कि आजादी आंदोलन में तो लाखों लोग मारे जाएंगे, बिना लाखों लोग मारे मधेश कैसे आजाद होगा? तो देखिए, यह डर है, यह डर फैला रहा है कि भाई जिस इनार में हो उस इनार के बाहर मत देखो, छलांग मत लगाओ, गिर जाओगे, पैर टूट जाएगी। यह भ्रम है जो फैलाया गया है ताकि मधेशी बाहर की ओर नहीं देखे, जबकि सच्चाई क्या है कि जहां पर मधेशी आज खड़े हैं वहां पर आग लगी हुई है। अगर मधेशी वहां से कूदता नहीं है तो जलकर राख हो जाएगी, लाखों लाख मधेशी वैसे भी मारे जाएंगे। भले अगर हम कूदते हैं तो भले पैर में मोच थोड़ी आ जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन जान हमारी बच जाएगी। अगर हम नहीं कूदते हैं,
अगर मधेश आजाद नहीं होता है तब लाखों लाख मधेशी मारे ही जाएंगे, क्योंकि यहां पर जो जातीय द्वंद होने वाला है, जो गृह युद्ध छिड़ने वाला है, उसमें लाखों लाख मधेशी को मारे जाने से कोई रोक नहीं सकता। उसे अगर कोई रोक सकता है तो वह आजाद मधेश होने से ही रुक सकता है। दूसरी बात है, आजादी आंदोलन में लोग मारे ही जाते हैं यह भ्रम है। स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह हुआ आजादी के लिए, तो उस जनमत संग्रह के दौरान कितने लोग मारे गए? कैटलोनिया में भी जनमत संग्रह हुआ, तो उस जनमत संग्रह के दौरान कितने लोग मारे गए? तो यह भ्रम है कि आजादी आंदोलन में लोग मारे ही जाते हैं, मारे ही जाएंगे, यह भ्रम है। आज के दौर में वह होना जरूरी नहीं है, एक भी आदमी मारे बिना भी आजाद हो सकते हैं। तो यह आदमी मारे जाना या न जाना निर्भर करता है आंदोलन के स्वरूप पर, नेतृत्व पर। अगर नेतृत्व सही है, शांतिपूर्ण नेतृत्व दे रहा है और आंदोलन का स्वरूप अच्छा है, शांतिपूर्ण है, तो वहां पर बिना ज्यादा क्षति की आजादी हासिल की जा सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है। आप कहेंगे जब प्रदेश नहीं दे रहा है तो यह देश कैसे देगा? तो इसमें सबसे बड़ी बात है, प्रदेश जो है, मधेश प्रदेश जो है, यह आप उससे मांग रहे हैं, उससे लेने की चीज है। लेकिन देश जो है वह उससे मांगने की चीज नहीं है, वह स्वयं बनाने की चीज है। यह बहुत ही बड़ा अंतर है। जब हम उससे कुछ मांगते हैं तो नियंत्रण हम उसके हाथों में दे देते हैं, वह देना या ना देना वह उसके हाथ में होता है, नेपाली शासकों के हाथ में होता है कि देगा कि नहीं देगा, और इसीलिए वह आज तक प्रदेश देने में हिचकिचा रहा है, अधिकार देने में भी हिचकिचा रहा है। लेकिन देश बनाया जाता है, देश उससे मांगने की बात नहीं है। देश का बनना या न बनना वह हमारे अपने हाथों में है। जिस दिन हम चाहेंगे कि नहीं भाई अलग देश बनाना है, अलग देश घोषणा करना है, अलग देश चलाना है, उसी दिन हम अलग देश बना लेंगे, उसी दिन मधेश स्वतंत्र हो जाएगा। इसमें उसका कोई नियंत्रण नहीं है, वह हमारी अपनी तैयारी, वह हमारी अपनी मेहनत पर निर्भर है। तो इसमें उसका कोई नियंत्रण नहीं है, देश बनने या न बनने में उसका कोई नियंत्रण नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए काठमांडू में किसी व्यापारी के पास एक 3 मंजिला मकान है और आप उनसे मांग रहे हैं कि भाई मुझे एक फ्लोर दे दो, मुझे एक फ्लोर दे दो, तो वह एक फ्लोर आपको देगा नहीं, चाहे जितना भी मांगिए वह देगा नहीं। अगर दे भी देगा तो फिर जैसे मौका मिलेगा वो आपको वहां से निकाल देगा। पर आप सोचते हैं कि ठीक है उसने नहीं दिया, मैं अपना ही अलग घर बनाता हूं, तो इसमें वह रोक नहीं सकता है। आप अपनी जमीन पर अपना अलग घर बना सकते हैं और वह घर बनाने के लिए आपको मेहनत करना होगा। वह घर बनाना या न बनाना सिर्फ आपके ऊपर निर्भर है। जिस दिन आप मेहनत करेंगे, चाहेंगे कि हम अपना खुद का घर हो, वह घर आप बना लेंगे। और वह घर बनाने के लिए जो पूंजी है वह पैसा है, वह पैसा आपको हासिल करना होगा मेहनत करके, तब आप अपना घर बना पाएंगे। और देश बनाने की पूंजी पैसा नहीं, देश बनाने की पूंजी जनता है, जनमत है। तो जिस दिन आप वह जनमत तैयार कर लेंगे, सभी जनता जिस दिन कहने लगेगी कि मुझे आजादी ही चाहिए, उसी दिन मधेश अलग देश बन जाएगा। इसमें नेपाली शासकों का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इस तरह से प्रदेश से आसान है देश बनाना, क्योंकि यह सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर है। आप कहेंगे कि क्या संविधान में अधिकार सुनिश्चित करने से नहीं होगा? तो देखिए, संविधान उसी का होता है जिसके पास अपनी सेना होती है। जिसके पास अपनी सेना नहीं है उसके लिए कोई संविधान, कोई नियम कानून कुछ भी मायने नहीं रखता है। दूसरी बात है, अगर आप बाजार में एक CFL बल्ब भी खरीदने जाते हैं तो आप पहले पूछते हैं
कि भाई कितने दिन चलेगा, कितने दिन की वारंटी है, गारंटी है कि नहीं, ये बात उससे पूछते हैं। तो हम अधिकार के मामले में भी वही बात क्यों नहीं पूछते हैं कि अगर नेपाल के संविधान में लिखा भी देंगे या कोई अधिकार ले भी लेंगे तो वह कितने दिन चलेगा? नेपाल में संविधान कितने दिन टिका है? 10 बरस, 15 बरस? वही नहीं टिका है। तो मधेश के मामले में वह संविधान कितने दिन टिकेगा? अगर उस संविधान में, उस नेपाल के संविधान में अगर मधेशियों के लिए कुछ अधिकार देकर भी कुछ धारा लिख दी जाती है तो वह धारा कितने दिन टिकेगी? जैसे ही हम शांत होंगे, जैसे उनको मौका मिलेगा, वह संविधान को संशोधन फिर कर लेगा, फिर मधेशियों का अधिकार जो है फिर से छीन लेगा। तो मधेशियों का अधिकार उस संविधान में, उस नेपाल के संविधान में टिकने की बात ही नहीं होती है। तो नेपाल के संविधान में मधेशियों के लिए कुछ अधिकार लिखाना रेत पर, बालू पर कुछ लिखने समान है। जैसे ही एक लहर आएगी, वो सारा लिखा लिखाया हुआ चीज बहाकर लेकर चली जाएगी। उसी तरह कभी भी सेना लगाकर, फिरंगी सेना लगाकर सारे अधिकारों को पल भर में निलंबन किया जा सकता है। संविधान में दिए हुए सारे अधिकारों को पल भर में छीना जा सकता है। तो नेपाल के संविधान में लिखने या न लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई ज्यादा मायना नहीं रखता है। और दूसरी बात, नेपाल के संविधान में लिखा देने से ही क्या होता है? नेपाल के अंतरिम संविधान में धारा 138 में यह बात बाकायदा लिखी गई थी कि अधिकार संपन्न स्वायत्त प्रदेशहरू हुनेछन्। तो फिर आज यह संघर्ष क्यों? फिर हमें 7-8 बरस के बाद ही फिर से क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है? फिर क्यों मरना पड़ रहा है? उसी संविधान में समानुपातिक समावेशी का अधिकार दिया गया था, लेकिन फिर भी आज हम आंदोलन उसी समानुपातिक समावेशी के लिए कर रहे हैं। तो उसमें लिखा देने से भी कुछ नहीं होता है। और समानुपातिक समावेशी की बात जब लिखी गई थी तो उस आधार पर 30,000 मधेशियों को सेना में भर्ती होना था। समानुपातिक समावेशी के आधार में कम से कम 30,000 मधेशियों को नेपाली सेना में भर्ती होना था, लेकिन क्या हम करा पाए? 3,000 मधेशियों की भी भर्ती सेना में नहीं हो पाई। तो संविधान में तो लिखा था समानुपातिक समावेशी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो वही बात है, संविधान में लिखा देने से ही वह कार्यान्वयन होगा, उसके आधार पे हो जाएगा, यह बात नहीं है। संविधान में तो मधेशियों को नागरिकता देने के लिए ही लिखा है, कहीं भी यह नहीं लिखा है कि मधेशियों को नागरिकता नहीं देनी चाहिए। लेकिन जब व्यवहार में होता है तो लाखों लाख मधेशी आज भी नागरिकता विहीन है। जो हजारों हजार बरस से रहते आए हैं वह नागरिकता विहीन है। तो ऐसा क्यों है? संविधान में ये तो नहीं कहा गया है कि जो लोग नेपाल में 1,000 बरस से रहते आए हैं उसे नागरिकता नहीं देना है। तो वही बात है, संविधान में खाली लिखा देने से अधिकार मिल जाता है यह बात नहीं है। संविधान में कहां लिखा है कि मधेशी अगर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगा तो उस पर गोली चलाओ? संविधान में कहां लिखा है कि किसी को अपने विचार के लिए नजरबंद किया जा सके? तो संविधान में लिखा देने से या नहीं लिखाने से फर्क नहीं होता है। वो नेपाली शासक वर्ग है तो वह हम पर शासन ही करेगा। वह संविधान, नेपाल का संविधान उसके लिए है, मधेशियों के लिए नहीं। यह बात हम सबको भी जानना होगा। इसीलिए हम सबको अब कोई भीख नहीं, अधिकार का भीख नहीं, हम सबको आजादी चाहिए। आजादी के लिए संघर्ष करना होगा, क्योंकि भीख के नाम पे वो एक हाथ से तो देते हैं कुछ चीज, लेकिन दूसरे हाथ से उससे कहीं ज्यादा चीज हमसे छीन लेते हैं। एक हाथ से अधिकार देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ से जो हम देख भी नहीं सकते उससे बड़ा अधिकार जो है छीन कर हमसे ले लेता है। यही धोखा मधेशियों के साथ बारंबार होता आ रहा है, और वही कारण है जिसके कारण से मधेशियों की हालत आज यह हो गई है।
नहीं तो मधेशियों के पास क्या नहीं था? मधेशियों के पास ऐसी उर्वर जमीन थी, मधेशियों के पास साधन स्रोत था, मधेशी लोग पढ़े लिखे थे, मधेशी लोग समृद्ध थे, फिर भी आज मधेशियों की हालत इतनी जर्जर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वही औपनिवेशिक शासन है। सब कुछ तो है हमारे पास, लेकिन उस पर हमारा अपना नियंत्रण नहीं है। हम यहां पर स्वतंत्र नहीं है, मधेश स्वतंत्र नहीं है, मधेश परतंत्र है। यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी मधेश की स्थिति आज ऐसी हो गई है। और हम अभी भी ऐसे ही उलझे रहे हैं तो हमारी हालत, मधेशियों की हालत जो है, वह जिस तरह से बर्मा में रोहिंग्या की हालत हुई, जिस तरह से उन्हें आज अपनी ही भूमि पर से निकाल दिया गया है और वे लोग शरण लेने के लिए आज इधर से उधर भटकते फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई शरण नहीं दे रहा है। सैकड़ों जहाजों पे लाखों लाख लोग आज डूबते हुए मर रहे हैं, वही हालत मधेशियों की भी हो सकती है। इसी कारण से हम सबको जल्द ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा, हम सबको जल्द ही आजादी की ओर बढ़ना पड़ेगा, हम सबको जल्द ही अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कोई ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा, कोई एक्शन लेना होगा। और हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। जब आप एक मेढक को एक कड़ाही के पानी में डालकर उसको गर्म करना शुरू करते हैं तो वह मेढक क्या करता है कि उस पानी के तापमान अनुरूप अपने आप को बनाते जाता है, सहन करते जाता है, एडेप्ट करते जाता है। वह निकलने की कोशिश पहले नहीं करता है, वह अपने को उसी अनुकूल बनाते जाता है, वह बर्दाश्त करते जाता है। जैसे पानी गर्म होते जाता है, वह बर्दाश्त करते जाता है। और जब पानी बहुत ही गर्म हो जाता है, जब उसे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तब वह मेढक, वह बेंग जो है, छलांग लगाने की कोशिश करता है, जब सोचता है कि अब तो बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन तब तक क्या होता है, अपनी सारी ऊर्जा जो है वह सहन करने में, एडाप्ट करने में खर्च कर चुका रहता है और वह छलांग लगा नहीं पाता है और अंत में वह गर्म पानी में ही मर जाता है। तो उसी तरह से अगर हम भी ज्यादा सहन करते रहे, सहन करने में ही अपनी ऊर्जा खर्च करते रहे, तो जब भयंकर खतरा आएगा, तो जब हम अस्तित्व ही मिटने की कगार पर पहुंच जाएंगे और उस समय चाहेंगे कि नहीं कोई छलांग लगाते हैं, उस समय छलांग भी लगा नहीं पाएंगे। इसीलिए सही समय पर ही हमें निर्णय लेना होगा कि हमें आजादी चाहिए, हमें नेपाली औपनिवेशिक शासन से मुक्ति चाहिए, हमें मधेश स्वतंत्र देश चाहिए, या सही समय पर ही हमें फैसला लेना होगा, वरना हमारी हालत भी उसी मेढक की तरह, उसी बेंग की तरह हो जाएगी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर मधेश को आजाद कैसे करेंगे, मधेश आजाद कैसे होगा, आंदोलन का स्वरूप क्या होगा। तो मधेश को आजाद करने के कई तरीके हैं और आंदोलन के कई स्वरूप हो सकते हैं। पहला तरीका यह है कि जो अभी मौजूदा आंदोलन चल रहा है, इसी आंदोलन में हम एक सूत्रीय मांग रख लेते हैं कि भाई स्वतंत्र मधेश के लिए जनमत संग्रह कराओ, और हमें कुछ नहीं मांगना है, बस एक सूत्रीय मांग, स्वतंत्र मधेश के लिए जनमत संग्रह कराओ, और इसी आंदोलन को आजादी आंदोलन में मोड़ा जा सकता है। हमें उससे कोई अधिकार नहीं मांगना है, वह हम खुद निर्धारण करेंगे। जब मधेश स्वतंत्र होगा, जब मधेश का संविधान बनाया जाएगा, तो हम अपने अधिकार, हमें क्या क्या चाहिए, सब कुछ हम अपने आप निर्धारण करेंगे। अभी खाली हमें क्या कहना है कि जनमत संग्रह कराओ, स्वतंत्र मधेश के लिए जनमत संग्रह कराओ, जैसे स्कॉटलैंड में हुआ, उस तरह से जनमत संग्रह कराने के लिए खाली हमें आंदोलन करना है। यह पहला तरीका हुआ। और उस आंदोलन के निष्कर्ष के रूप में जब वार्ता होगी तो उसमें यही बात तय होगी कि कब वह निर्वाचन कराना है, कब वह जनमत संग्रह कराना है। उसी के लिए दोनों पक्ष, आंदोलनकारी पक्ष और नेपाल सरकार के बीच में सहमति होगी।
यह पहला तरीका हुआ। बाकी दूसरे तरीकों को देखने से पहले हम एक संधि को देखें। सन 1933 के मोंटेवीडियो कन्वेंशन के अनुसार, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ही माना जाता है, उसके अनुसार किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने के लिए चार शर्तें होती है। पहला है निश्चित भूभाग, वह मधेश के पास पहले से मौजूद है, मधेश की अपनी सीमा है, मधेश का अपना भूभाग है। दूसरी शर्त है स्थायी जनसंख्या, यानी कि परमानेंट पॉपुलेशन। तो मधेश में परमानेंट पॉपुलेशन है, स्थायी जनसंख्या है। और उसी में, उसी संधि में तीसरा क्राइटेरिया यानी तीसरी शर्त है उसकी अपनी सरकार हो, वह मधेश के पास अभी नहीं है, अभी मधेश सरकार नहीं है। और चौथी शर्त होती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने के लिए सक्षम। तो जब मधेश में सरकार नहीं है तो यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने आप में बनाने के लिए अभी सक्षम नहीं है, उसके लिए पहले मधेश सरकार चाहिए। तो यानी मधेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिलने के लिए दो शर्तें पूरी है और दो शर्तें बाकी है, यानी कि मधेश सरकार चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध चाहिए। तो इस कारण से स्वतंत्र मधेश देश बनाने के लिए अगला चरण होना चाहिए मधेश की सरकार गठन करना, मधेश का अपना संसद गठन करना, यह अगला चरण होना चाहिए। तो देश बनाने का दूसरा तरीका है नेपाल के संसद में जितने भी मधेशी सांसद मौजूद हैं, जितने भी सांसद जो मधेश से जीत कर गए हैं, वे सभी वहां से राजीनामा देते और यहां पर मधेश में आकर मधेश संसद बनाते, अंतरिम मधेश संसद का गठन करते और वहीं से मधेश सरकार का गठन करते। इससे क्या होता कि मधेश को सरकार मिल जाती और वह सरकार बनने के बाद हम दूसरे देशों से संबंध स्थापित कर सकते। तो यह भी एक तरीका है। और इसमें फायदा क्या है कि जो लोग नेपाल के संसद में गए हैं मधेश से, वह पहले से निर्वाचित है। तो अगर ऐसे निर्वाचित सांसद वहां से राजीनामा देकर मधेश के संसद बनाते हैं तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलेगा, क्योंकि वे लोग तो पहले से ही निर्वाचित हैं। और मधेश का अंतरिम संसद और सरकार बनने के बाद वहां से हम उद्घोष करते कि मधेश अब स्वतंत्र देश बन चुका है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये अपील करते कि आप सभी अब मधेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दीजिए और हम सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों से संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ते। और मधेश को आजाद करने का तीसरा तरीका है कि दसों लाख की संख्या में मधेशी जनता एकत्रित होकर वहीं से मधेश की सरकार की घोषणा करते, क्योंकि वहां पर दसों लाख की संख्या में जनता मौजूद रहेगी तो वही मधेश की सरकार के लिए जन समर्थन है, वही जनमत है। और उस आधार पे मधेश की सरकार गठन करने के बाद वहीं से मधेश आजाद है कह के हम सब घोषणा करते और वहीं से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के लिए आह्वान करते। तो यह भी एक तरीका है। और मधेश को आजाद करने के लिए चौथा तरीका और संभवतः सबसे प्रभावकारी तरीका है मधेश में स्वयं अपना निर्वाचन कराकर मधेश संसद गठन करना और मधेश की सरकार बनाना, और उस तरह से मधेश का संसद और सरकार निर्वाचित रूप में बनाने के बाद वहीं से मधेश को स्वतंत्र घोषणा करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता के लिए आह्वान करना, यह चौथा तरीका है। इसके अलावा भी कई तरीके हो सकते हैं। तो हम सब अभी इनमें से सबसे जो श्रेष्ठ मार्ग है, सबसे जो प्रभावकारी मार्ग है, उसी को अपने रोड मैप के रूप में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि चौथा तरीका है, यानी कि मधेश में स्वयं निर्वाचन कराना और मधेश के संसद और सरकार का गठन करना। इस रास्ते में मुख्यतः तीन चरण आता है।
पहला चरण होता है कि जनमत तैयार करना, स्वतंत्र मधेश के पक्ष में जनमत तैयार करना, यानी कि लोगों तक, गांव गांव तक, वार्ड वार्ड तक मधेश में पहुंचकर लोगों को स्वतंत्र मधेश के पक्ष में विचार बनवाना। उसी हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वतंत्र मधेश के पक्ष में लॉबिंग करना और उनका विचार स्वतंत्र मधेश के पक्ष में बनाना, यानी कि यह पहला चरण है जिसमें हम जनमत तैयार करते हैं स्वतंत्र मधेश के पक्ष में। और इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जा सकते हैं, कौन सभा, आम सभा, जनचेतना अभियान, जागरण अभियान चलाया जा सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न किस्म की लॉबिंग की जा सकती है, गोष्ठी किया जा सकता है स्वतंत्र मधेश के पक्ष में जनमत बनाने के लिए। यह पहला चरण है। दूसरा चरण है मधेश में निर्वाचन कराने के लिए आवश्यक राजनीतिक संयंत्र बनाना। निर्वाचन कराएंगे तो उसके लिए निर्वाचन आयोग भी चाहिए, राजनीतिक संयंत्र चाहिए, संवैधानिक संयंत्र चाहिए। तो हम सब मुख्य रूप में एक उच्च स्तरीय राजनीतिक संयंत्र बनाएंगे जिसमें शीर्ष नेता, पार्टियों के अध्यक्ष, इस तरह के आदमी मौजूद रहेंगे जो कि मधेश के राजनीतिक डिस्कोर्स, राजनीतिक रणनीति निर्धारण करेंगे। दूसरा संयंत्र है उच्च स्तरीय संवैधानिक सुझाव समिति, क्योंकि जो भी कुछ प्रक्रिया हो रहा है, जो भी हम सब निर्वाचन कराएंगे, वह अंतर्राष्ट्रीय विधि अनुरूप हो रहा है कि नहीं, उसे निर्देश करने के लिए एक उच्च स्तरीय संवैधानिक सुझाव समिति भी बनाई जाएगी, जिसमें कि भूतपूर्व न्यायाधीश, संविधानविद, वकील आदि रह सकते हैं। और तीसरा संयंत्र है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन करना, क्योंकि मधेश में जो निर्वाचन कराएंगे उसके लिए निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण करना, मतदाता नामावली तैयार करना, वहां पर सफल रूप में निर्वाचन कराना और मत परिणाम घोषित करना, यह सब काम निर्वाचन आयोग का होगा। और इसमें भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन अधिकृत और भी वरिष्ठ लोग सब इसमें समावेश होकर इस आयोग को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा भी और आवश्यक राजनीतिक संयंत्र भी बनाया जा सकता है। और तीसरा चरण होता है कि मधेश में निर्वाचन संपन्न करना, मधेश के संसद बनाने के लिए निर्वाचन संपन्न करना। तो यह निर्वाचन हरेक क्षेत्र में, मधेश के हरेक क्षेत्र में होगा और वहां से हरेक क्षेत्र के लिए एक मधेश का सांसद चुना जाएगा, उसके लिए निर्वाचन कराना, और वह निर्वाचन कराने के बाद मधेश का संसद बनेगा, मधेश की सरकार बनेगी और वहां से हम सब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए आह्वान करेंगे। तो इस तरह से आजादी आंदोलन के इस स्वरूप में मुख्यतः तीन चरण मौजूद है जिससे हमें होकर गुजरना पड़ेगा और तभी मधेश आजाद देश के रूप में स्थापित हो सकता है। और इस रोड मैप के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है और सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस प्रक्रिया में नियंत्रण जो है वह पूर्णतः अपने हाथों में रहेगा, यानी कि हम किसी से मांग नहीं रहे, हम नेपाल सरकार से मांग नहीं रहे हैं कि हमारी मांग पूरी करो, और हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा जब तक वह खुश न हो जाए। अभी के आंदोलन, अभी के जो मधेश आंदोलन है, उसमें नियंत्रण हमारे हाथों में नहीं है, हम उनसे मांग रहे हैं, हम नेपाल सरकार से मांग रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, और वह पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी इच्छा अभी तक नहीं हुई है। तो मधेश आंदोलन में नियंत्रण हमारे पास नहीं है, इसीलिए इतनी समस्याएं आ रही है। लेकिन आजादी आंदोलन के इस स्वरूप में नियंत्रण पूर्णतः हमारे हाथों में है, निर्वाचन कराना न कराना हमारे हाथों में है, मधेश की सरकार बनाना न बनाना हमारे हाथों में है, वह नेपाल सरकार के हाथों में नहीं है। तो यह सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा यह है कि अगर इस निर्वाचन में केवल 50% भी मतदान होता है तो स्वतः यही निर्वाचन जनमत संग्रह का काम करेगा, क्योंकि यह निर्वाचन जो हो रहा है स्वतंत्र मधेश का संसद बनाने के लिए हो रहा है।
तो जो भी लोग मतदान कर रहे हैं वह स्वतंत्र मधेश के पक्ष में पहले से ही मतदान कर रहे हैं। तो इस कारण से अगर 50% भी मत इसमें गिरता है तो इसका मतलब है कि बहुसंख्यक जनता आजादी चाहती है। यही निर्वाचन जनमत संग्रह के रूप में काम करेगा। तीसरा फायदा है कि इस निर्वाचन के जरिए हमें निर्वाचित मधेश सरकार और निर्वाचित मधेश संसद मिलेगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हम किसी 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी को ऐसे पकड़कर संसद नहीं बना रहे हैं, ऐसे पकड़कर मधेश की सरकार गठन नहीं कर रहे हैं। यह निर्वाचित है, मधेश की जनता द्वारा निर्वाचित है, तो यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और चौथा फायदा यही है कि यह सरकार निर्वाचित होने के कारण, यह संसद निर्वाचित होने के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने में बहुत आसान होगा, क्योंकि जनता ने जब निर्वाचित किया है तो वह तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी मानना पड़ेगा, तो यह बहुत ही बड़ी बात है। पांचवा फायदा यह है कि यह जब निर्वाचन होने लगेगा, जब लोग अपने अपने क्षेत्र में सांसद पद के लिए उम्मीदवारी देने लगेंगे, तो उसमें बहुत सारे पार्टियां, जो लोग अभी स्वतंत्र मधेश के पक्ष में नहीं भी है, वे लोग भी उम्मीदवारी देंगे। भले ही जिला के अध्यक्ष जो है वे नहीं लगे, लेकिन बाकी और लोग जो रहेंगे पार्टी के, वे सभी लोग इस निर्वाचन में हिस्सा लेंगे। तो इस प्रक्रिया में सभी को समेट कर हम सब आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। जो लोग नहीं भी जुड़ना चाहते हैं वह भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जुड़ेंगे ही। इस प्रक्रिया में सभी को समेट कर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यह भी बहुत ही बड़ी बात है। और छठा फायदा है कि इसमें अपेक्षा से ज्यादा जनमत स्वतंत्र मधेश को मिलेगा, क्योंकि अगर किसी गांव में जब निर्वाचन होने लगता है तो वहां पर जो वृद्ध होते हैं, जो अशक्त होते हैं, जिसे चलने फिरने में भी कठिनाई होती है, वे लोग भी इतने उत्साहित हो जाते हैं कि उसमें मत गिराने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही स्वतंत्र मधेश के संसद के लिए निर्वाचन होने लगेगा, वहां पर ऐसे लोग भी खुशी खुशी साथ जाएंगे जिसे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं रहता है, और इस हिसाब से स्वतंत्र मधेश के लिए अपेक्षा से ज्यादा जनमत आपको मिलेगा। तो यह भी फायदा है। आजादी आंदोलन के इस स्वरूप में कुछ चुनौतियां भी हैं। पहला चुनौती है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, यानी कि नेपाल सरकार के पास सेना है, पुलिस है, क्या वह हमें यह निर्वाचन कराने देगी? तो देखिए, पिछले कुछ महीनों से जो मधेश में आंदोलन चल रहा है, तो उसमें देखिए मधेशी जनता ने लगभग पूरा पूरा नियंत्रण मधेश का अपने हाथों में ले लिया है। न तो कोई सरकारी कार्यालय चल रहा है, न तो सरकारी यातायात चल रही है, सब कुछ बंद है एक हिसाब से। तो मधेशी जनता ने इस तरह से पूरे मधेश को अपने नियंत्रण में रख लिया है। तो जब मधेशी जनता पूरे मधेश को अपने नियंत्रण में इस हद तक रख सकती है, तो क्या निर्वाचन नहीं करा सकती है? वह भी गांव में, बिल्कुल करा सकती है। दूसरी बात, जब यह आंदोलन अभी हो रहा है उसमें मधेशी जनता राजमार्ग बंद करने जाते हैं, नाका बंद करने जाते हैं, जिसमें कि एक ओर पूरी तरह सेना और पुलिस रहती है और एक ओर मधेशी जनता रहती है, फिर भी भिड़ंत करके भी हम सब वह काम करते हैं, राजमार्ग को बंद करने में सफल रहते हैं, नाका को बंद करने में सफल रहते हैं, इतना कुछ होने के बाद भी, यानी कि नेपाली सेना और पुलिस से भिड़कर भी हम सब मधेश के जो राजमार्ग है उसे बंद करने में सफल रहते हैं, नाका बंद करने में सफल रहते हैं। तो निर्वाचन क्यों नहीं करा सकते? निर्वाचन कराने में सेना और पुलिस से भिड़ना तो नहीं पड़ेगा, यह कन्फ्रंटेशनल नहीं है, इसमें आप सीधे नेपाली सेना और पुलिस से भिड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, उन्हें कोई बाधा अवरोध पहुंचाने के लिए नहीं जा रहे हैं, किसी चीज को रोकने के लिए नहीं जा रहे हैं,
बस इसमें हम अपना काम गांव गांव में जाकर कर रहे हैं, अपना निर्वाचन कर रहे हैं। यानी कि यह कन्फ्रॉन्टेशनल नहीं है, यह भिड़ंत, यह आमने सामने वाला भिड़ंत नहीं है। इसी में तीसरी बात, निर्वाचन जो होगा वह गांव गांव में होगा, और गांव में जब होता है तो वहां पर पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि पूरे गांव के लोग जो है उठकर खड़े हो जाते हैं। और यह निर्वाचन जो होगा वह तो सभी गांव में होगा, एक बार उतने गांव में जब होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होगा, तो वहां पर नेपाल पुलिस और सेना कहां कहां जाकर हस्तक्षेप करेगी, कहां कहां निर्वाचन रोक पाएगी। और चौथी बात, अगर किसी जगह पे निर्वाचन को भाड़ भी देता है, रोक भी देता है, किसी जगह पर बाधा पहुंचा भी देता है, तो यह जरूरी नहीं है कि हर एक गांव में, हर एक जिले में निर्वाचन एक ही दिन में सफल हो जाए, यह निर्वाचन में जरूरी नहीं होता है। निर्वाचन अनेक चरण में किया जाता है, 2 महीना 3 महीना लगाकर भी किया जा सकता है। तो 2-4 जगह पे अगर बाधा डाल भी देती है तो दूसरे दिन कर लेंगे, तीसरे दिन कर लेंगे। अभी भी तो जब निर्वाचन होता है तो बहुत सारे बूथों पर बाधाएं आती है, कैंसिल होता है। तो उसी तरह हम भी मानेंगे कि कुछ बूथ पर हस्तक्षेप होने के कारण से निर्वाचन डिस्टर्ब हुआ, उस पर बाद में कर लेंगे। इस हिसाब से हम सब मधेश में सफल निर्वाचन कर सकते हैं, बस आत्मविश्वास रखना होगा। इसी में सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही आप दूसरी चुनौती भी देख सकते हैं, जहां पर मधेश में स्वतंत्र मधेश विरोधी जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर निर्वाचन कैसे करेंगे? तो क्या है कि निर्वाचन कराने के लिए हर एक गांव में उसी जगह बूथ रखना पड़ेगा, यह जरूरी नहीं होता है। यानी कि हम मतदान सेंटर को सुरक्षित जगह पर रख सकते हैं और उस क्षेत्र के लोगों को उस सुरक्षित जगह पर आकर मतदान करने के लिए बोल सकते हैं। वह सुरक्षित जगह सदर मुकाम भी हो सकता है या कोई दूसरा गांव भी हो सकता है, दूसरा क्षेत्र भी हो सकता है, जहां पर आकर वे लोग मतदान कर पाएंगे। तो यह बिल्कुल संभव है। मधेश में स्वयं निर्वाचन कराने की दूसरी चुनौती है आर्थिक दृष्टिकोण से। यानी कि जब निर्वाचन होता है उसमें अरबों रुपया खर्च होता है, अरबों का बजट बनता है, तो उतना पैसा हम सब कहाँ से लाएंगे कि निर्वाचन कराएंगे? क्योंकि नेपाल भी जब अभी निर्वाचन कराता है तो अरबों रुपया खर्च करता है, तो हम सब अरब रुपया कहाँ से लाएंगे कि हम सब निर्वाचन कराएंगे? तो देखिए, यह जब आप ऊपर से देखते हैं तब ऐसा लगता है, और सचमुच में अरबों रुपया खर्च होता है निर्वाचन में। लेकिन हम सब जन स्तर से देखते हैं, आंदोलनकारी के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो इस चुनौती को भी हम सब सामना कर सकते हैं। मान लीजिए पिछले कुछ महीनों से जो यह आंदोलन चल रहा है उसमें आपके गांव को खाली लीजिए, आपके गांव से कितना खर्च हुआ है? बहुत सारा खर्च हुआ है। कई बार आपको दर्जनों ट्रैक्टर किया गया, कई बार सैकड़ों कार्यकर्ता को खिलाना पिलाना पड़ा, टेंट सामियाना की व्यवस्था करना पड़ा, तो इस आंदोलन में भी बहुत सारा खर्च हुआ है। तो सोचिए, इस आंदोलन में जितना खर्च हुआ है उसके 4-5 दिन के ही अगर खर्च निर्वाचन कराने में लगाते हैं तो क्या उस गांव में निर्वाचन होगा कि नहीं? खाली अपने गांव के विषय में सोचिए, आखिर निर्वाचन कराने में क्या खर्च लगता है? 2-4 मास्क लगाना पड़ता है, 2-4 टेबल लगाना पड़ता है, 1 टीन का डब्बा चाहिए, और अंत में जब निर्वाचन हो जाएगा तो वहां से मतपेटिका को सदर मुकाम तक लाना पड़ता है, यही खर्च होता है ना? तो यह तो 4-5 दिन आंदोलन में जितना खर्च लगा है उतना खर्च लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो अगर इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो इसमें बिल्कुल खर्च नहीं है, वह खर्च हर एक गांव के लोग खुद उठा सकते हैं और इस निर्वाचन को संपन्न कर सकते हैं। तो यह आर्थिक दृष्टिकोण से भी संभव है। तीसरी चुनौती है
कि जनशक्ति कहां से लाएंगे निर्वाचन कराने के लिए। तो नेपाल सरकार भी जब निर्वाचन कराती है तो वह भी सरकारी कर्मचारी लगायत को हटाते हैं। तो हम भी जब निर्वाचन कराएंगे तो मधेश में जितने कर्मचारी हैं या जितने रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जितने युवा हैं, उन सब का सदुपयोग कर सकते हैं। अगर तालीम की जरूरत पड़ी तो उन्हें ही हम सब 4-5 दिन की तालीम दे सकते हैं और निर्वाचन के लिए रवाना कर सकते हैं। तो जनशक्ति की भी बिल्कुल समस्या नहीं है। चौथी चुनौती है कि क्या इस निर्वाचन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी। तो देखिए, अगर हम सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय विधि अनुरूप करते हैं, सब कुछ एक संवैधानिक प्रक्रिया अंतर्गत करते हैं, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन करके हम सब आगे बढ़ते हैं, उस निर्वाचन आयोग का नेतृत्व कोई हाई प्रोफाइल आदमी करता है, जैसे कोई भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त करता है, तो इसे जरूर मान्यता मिलेगी। मान लीजिए नेपाल में जिसने निर्वाचन कराया हो, ऐसे बहुत सारे मधेशी निर्वाचन आयुक्त हुए हैं, अगर उन्हीं को मधेश में भी यह निर्वाचन करने की जिम्मा दी जाती है और स्वतंत्र मधेश निर्वाचन आयोग गठन करके दी जाती है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कर सकेगा। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ऑब्जर्वर को बुला के, पत्रकारों को बुला के, अन्य संघ संस्थाओं को बुलाकर, और हो सकता है तो यूनाइटेड नेशंस को भी बुलाकर अगर कराते हैं तो इस निर्वाचन को मान्यता बिल्कुल मिलेगी। विगत के महीनों में मधेशी जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हरेक किस्म का संघर्ष किया, हरेक बलिदानी दी है, हरेक आंदोलनकारियों ने दिन रात एक करके मेहनत किया है, सभी पार्टी के नेताओं ने उतना ही मेहनत किया है मधेश आंदोलन को सफल बनाने के लिए, और इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु नेपाली शासक टस से मस नहीं हुए, उल्टा हम पर दमन करते रहे, हम पर गोली चलाते रहे। अधिकार देने की बात तो दूर, वह हमारे अधिकार को और छीनते रहे। तो यह स्पष्ट हो गया है, बिल्कुल साफ है कि नेपाली शासन के अंतर्गत हमें कोई अधिकार कभी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हम सभी का दायित्व बनता है कि इतने लंबे संघर्ष के बाद, इतने लंबे आंदोलन के बाद, हम सभी एक जगह बैठकर अब समीक्षा करें और आगे की रणनीति तय करें। आगे का सही रास्ता क्या होगा, उस पर विचार विमर्श करके हम अब आगे बढ़े, आजादी की ओर आगे बढ़े। अब यह सही समय है, अब आजादी ही एकमात्र विकल्प है, और हम सभी को अब ठोस निर्णय लेकर आगे बढ़ना होगा। अगर सही समय पर हमने निर्णय नहीं लिया तो हमारे अस्तित्व खतरा में है, हमारे अस्तित्व मिटने से अब कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है कि जितने भी मधेश के नेता हैं, पार्टियां हैं, आंदोलनकारी हैं, वे सब एक जगह बैठे, मधेश में सर्वपक्षीय रूप में एक बैठक हो और सभी लोग, जिला स्तर के नेता भी और केंद्र स्तर के नेता भी, सभी लोग यह निर्णय ले कि अब स्वतंत्र मधेश के लिए ही आंदोलन करना है। यह निर्णय लिखित रूप में ले ले, क्योंकि मधेश की भी सभी पार्टियों ने कहा ही था कि अगर अधिकार संपन्न स्वायत्त मधेश प्रदेश नहीं मिलता है तो हम सब मधेश देश के लिए ही लड़ेंगे। तो अब ज्यादा इंतजार करना किसी भी मायने में उचित नहीं है। हम सब ने देख लिया है, इतना बड़ा आंदोलन करके देख लिया है कि यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है, और अगर मिल भी जाता है तो वह टिकने वाला नहीं है। तो यह हरेक स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, जिला के स्तर पर और गांव के स्तर पर भी यह लिखित रूप में निर्णय ले ले कि अब हमें स्वतंत्र मधेश के लिए ही आंदोलन को आगे बढ़ाना है। यह सबसे पहला स्टेप हो। और मधेशी जनता को इस दौरान क्या करना है कि जितनी जल्दी हो सके स्वतंत्र मधेश के लिए चेतना फैलाए, जन जन तक स्वतंत्र मधेश के लिए आवाज उठाने के लिए बोले, उसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण दे, जगह जगह पर संगठन निर्माण करे स्वतंत्र मधेश के लिए,
क्योंकि संगमूलम महाबलम, क्योंकि संगठन में ही वह महाशक्ति होती है जो हमारे सपनों को साकार कर सकता है, मधेश को आजाद कर सकता है। और जिस दिन स्वतंत्र मधेश के लिए 10 लाख जनता तैयार हो जाएगी, उसी दिन हम सब निर्वाचन की घोषणा कर सकते हैं और स्वतंत्र मधेश के लिए उद्घोष कर सकते हैं। धन्यवाद।